सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रबीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक, जिसमें कि हम आपके लिए बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो पिछली वीडियो का एक तसलसल है। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो क्या है कि ये जिसमें हमने आपको बताया है कि आपने किस तरह से ब्लोअर मोटर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हम उसके आपको इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे कि आप कैसे उसकी रोटेशंस और उसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जबकि पहली वीडियो में हमने उसकी आपको डायग्राम और उसकी टेस्टिंग बताई थी। तो इसके अलावा आपसे हमारी ये गुजारिश रहती है कि जब आप हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और इन्जॉय करें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास ये ब्लोअर मोटर है और ये ख़राब हो गई है, या आपके पास दूसरी कोई मॉडल था और आप ये नई लेके आए हैं, ठीक है, और इस पीसीबी में जो हमने इस वक्त रखा हुआ है मिसाल के तौर पे, इस पीसीबी में आप इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये इसमें एरर दे रही है। जब क्या कहते हैं यूनिट आप ऑन करते हैं तो चूँकि इसका जो मोटर फीडबैक का एरर है वो E4 है, तो इस डिस्प्ले पे अगर आ जाता है और बार बार वही डिस्प्ले पे आ रहा है तो आप तो ये कहेंगे कि ये मोटर ख़राब है तो ये इसमें नहीं चल सकती। लेकिन आज हम आपको ये तरीका बताएंगे कि आप किस तरह से कोई भी ब्लोअर मोटर जो है वो किसी भी इंडोर यूनिट में इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड की मोटर किसी भी ब्रांड में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं इसके जो इसकी रिवर्स रोटेशन है, अगर मोटर को देखें, मैंने दूसरी वीडियो में आपको बताया था कि इसकी पोजीशन जो है वो इस तरफ को चलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप ये उल्टी चल रही है, ठीक है, तो आपने इसको पहले सीधा कैसे करना है, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले इसका ये तरीका बताऊंगा आपको कि इसने आपको आपने इसको रिवर्स पोजिशन से राइट पोजिशन पर कैसे लेके आना है, ठीक है जी। तो आइए मैं आपको बताते हैं, अब हम यूनिट को ऑन कर लेंगे, ठीक है, ये देखें ऑन कर लिया यूनिट, हम रिमोट से ऑन कर लेंगे इसको, ये देखें ये चल गया है, लेकिन ये देखें ब्लोअर मोटर जो है वो रिवर्स मोशन में चल रही है, ठीक है। जब हम बंद करेंगे तो आपको अच्छे से इसका अंदाज़ा होगा, देखें इसकी एरो जो है वो इस तरफ को है, इसकी रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज होनी चाहिए जबकि ये क्लॉक वाइज चल रही है, ठीक है। तो अब हम इसको बंद कर लेंगे जी, इसको बंद कर दिया, देखें डायरेक्ट हमने इलेक्ट्रिक निकाल दी। अब देखें आपको जूँ जूँ ये बंद होगी तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी पोजीशन क्या थी, देखें ये, देखें ये रिवर्स पोजीशन में, देखें इस तरफ को घूम रही थी, ठीक है, जबकि इसको घूमना चाहिए था इस तरफ को, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसको सीधा करें, क्योंकि अगर ये इसी पोजीशन में आप घुमाएंगे तो एक तो आपकी जो है वो एयर सर्कुलेशन नहीं होगी, दूसरा ये कि ये मोटर गर्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने मोटर में कुछ नहीं करना, आपने सर्किट को पहले सबसे पहले चेक करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आप चेक करेंगे इसके लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखें ये इलेक्ट्रिक ऑफ़ कर लें पहले, हमने भी इलेक्ट्रिक ऑफ़ कर लिया, ठीक है। अब हमने इसका ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, कनेक्टर निकालने के बाद, इलेक्ट्रिक निकालने के बाद आप जो है वो पीसीबी को इंडोर यूनिट से निकालेंगे, लेकिन हमारा ऑलरेडी हमारा खुला हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये यूनिट जो है, देखें इसके कनेक्टर्स आप देखेंगे, ठीक है, देखें ये कनेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वायर्स देखें आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है, कनेक्टर में जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप मोटर को चेक कर लेंगे, इसका कामन कौन सा है, इसका कामन, इसका रनिंग और स्टार्टिंग, ठीक है। तो वो आप पहली वाली वीडियो देख लें तो आपको उसमें समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपने इसका कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग देखना है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है वो ढूँढेंगे, सबसे ईजी पॉइंट जो है वो कैपेसिटर के दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनमें वो देखेंगे कि इसमें रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो जितनी भी एसी मोटर्स हैं उनमें कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है, तो जब कैपेसिटर लगे होते हैं इसके नज़दीक होते हैं या थोड़ा दूर होगा या कहीं किसी न किसी पोजीशन में लगा होगा या फिर एक्सटर्नल भी लगे होते हैं, ठीक है, तो वो
ज़ाहरी बात है आते तो वो पीसीबी के अंदर ही हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ उसको क्या करना है कि उसको सिर्फ उसको ट्रेस करना है आपने, ठीक है। मिसाल के तौर पर इधर लगा हुआ है तो आपको ज़ाहरी बात है उसकी वायर्स तो आती होंगी, तो आपने उसको ट्रेस करना है। अब चूँकि ये नज़दीक लगा हुआ है कनेक्टर के तो ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब जो है देखें, ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की वायर ये है और दूसरी वायर ये है, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स हैं, इसमें हमने अब रनिंग को ढूंढना है कि रनिंग वाली कौन सी वायर है और स्टार्टिंग वाली कौन सी वायर है, ठीक है। जब हम देखते हैं तो ये देखें पहले पॉइंट पे, ये देखें ये जो पॉइंट है ये पहला पॉइंट ऊपर ऊपर जब हम इसको देखें, ठीक है, ये देखें पहला पॉइंट है, ठीक है। तो पहले पॉइंट पर ये देखें ये वायर आ रही है, देखें घूम के थोड़ा सा ये इधर आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे ना तो न्यूट्रल लगी हुई है ना ही इस पर जो है फेज़ लगा हुआ है या लाइन लगी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है। तो स्टार्ट वायर इधर आएगी, ठीक है। अब हमने ये याद कर लेना है कि ये हमारी स्टार्ट वायर है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो स्टार्ट वाइंडिंग का। अब इसमें हमने दूसरा पॉइंट ढूंढना है, वो है रन वाइंडिंग का, ठीक है। तो ये देखें रन वाइंडिंग, देखें ये न्यूट्रल से आई हुई है वायर, ये देखें न्यूट्रल हमारी लगी हुई है, तो ये देखें न्यूट्रल से आई है, तो न्यूट्रल में देखें ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये आगे भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमने यहाँ पे पॉइंट देखना है कि ये कहाँ जाता है, ठीक है। हमने आगे जाना है, जाना है जी, जाना है। ये देखें वो यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है, सही है। जब यहाँ पर आया है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी तीसरी वायर जो है वो जो यहाँ पर कनेक्टर में तीसरी वायर है, थर्ड वायर थी वो है न्यूट्रल और रनिंग, न्यूट्रल और रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग की वायर और न्यूट्रल की वायर इस पे आएगी, ठीक है। इस किसका मतलब हो गया, स्टार्ट भी हमने ढूंढ लिया, न्यूट्रल भी ढूंढ लिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये थर्ड जो होगी, जो भी जिस पोजीशन में भी होगी, इधर उधर उधर आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। अक्सर ब्रांड्स में कुछ में फेज़ इधर होता है, कुछ में न्यूट्रल इधर होता है, वो इनके कंपनी के हिसाब अपने अपने हिसाब से रखती हैं, ठीक है। लेकिन उसको सिर्फ आपने ट्रेस करना है कि कैसे ही, वो उसका तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जब आपने ऑटोमेटिकली ये ढूंढ लिया कि ये इसका फेज़ है, ठीक है, यानी कि कॉमन है, ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये रनिंग पॉइंट हो गया और ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, अब हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। अब जब हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो देखें ये हमारा, ये देखें ये हमारा जो है वो स्टार्ट पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट और ये रनिंग पॉइंट। अब इसी तरह ये देखें, हमें याद है, ठीक है, हमारी जो कॉमन वायर थी वो ब्लैक थी, ठीक है, जो हमारी वाइट है वो रनिंग है और जो रेड है वो स्टार्ट है, ठीक है। अब हम जब इसको इस कनेक्टर में इंस्टॉल कर रहे हैं, देखें ये कनेक्टर में जब इस तरह लगा रहे हैं, ठीक है, ये देखें लगाया है। अब देखें ये हमारी चूँकि रनिंग वाइंडिंग है, लेकिन ये स्टार्ट वाइंडिंग पर आ रही है, तो इस वजह से ये उल्टी चल रही है, ठीक है। इसलिए इसके इसको इस तार को इस तरफ लेके आना होगा रेड की जगह, और रेड को वाइट की जगह लेके आना होगा। अब इसके भी दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि देखें वायर कटी हुई है, काट लें वायर को, इधर की वायर उधर कर ले, उधर की वायर इधर कर ले, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है, मैं वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको लेनी होगी वाइस, देखें वाइस लेनी होगी, वाइस में इसको पकड़ लें या किसी चीज़ में होल्ड कर लें ताकि आप आसानी से काम कर सकें, ठीक है। मेरे पास चूंकि वाइस मौजूद है तो इसलिए मैं इसमें पकड़ लूँगा, मेरी आसानी है, ठीक है। लेकिन अगर आप आपके पास कोई और चीज़ है तो आप उसमें पकड़ लें, कोई और तरीका है तो और तरीका इस्तेमाल कर लें, नो प्रॉब्लम। आप देखें ये हमेशा जैक जो है इधर लॉक बना होता है, ठीक है। तो जब इन लॉक्स को हम ऐसे प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो ये एक जैक देखें आसानी से बाहर आ गया, ठीक है, ओके। इसी तरह हम इसको भी निकालें, और लेकिन ये याद रखें कि हमने इसको इस तरफ से निकाला है ताकि हम इस तरफ डाल सकें, इसको अलग से कर लें, ठीक है, फिर दूसरे को ऐसे प्रेस कर लें तो ये देखें ये बाहर आ गया। अब जो आपने निकाला है पहले उसको इंस्टॉल कर देते हैं इस तरफ, ठीक है, देखें फंस गया, ठीक है, फिर ये देखें ये फंस गया, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर लॉक भी होता है, उसको भी आप ऊपर उठा सकते हैं, अगर फंसे ना तो उसको आप ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें लॉक बैठ गए, अब ये हमारा कनेक्टर चेंज हो गया। एक तरीका ये, एक वायर काट के उसको आप चेंज कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको दोबारा पीसीबी में इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों अब हमने इसको पीसीबी में इंस्टॉल कर दिया है तो अब इसको हम ऑन कर लेंगे, ठीक है जी। ये देखें ऑन हो गई, और देखें अब ये रोटेशन इसकी बिल्कुल सीधी हो गई है, ठीक है, ये देखें एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। जब हम इसको दोबारा बंद करेंगे, बंद किया तो देखें आपको देखें इसकी रोटेशन समझ में आ जाएगी, देखें 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 देखें
ये देखें अब ये किस तरफ को जा रहा है, देखें क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है बिल्कुल। अब ये बिल्कुल राइट होगी पोजीशन इसकी, इस तरफ चलनी चाहिए, इससे आपकी ब्लो भी सही आएगी। और दूसरा इसमें ये कि अगर आप इसी पोजीशन में इसको रखते, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल है, तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो रन वाइंडिंग है, ठीक है, रन वाइंडिंग पे आप स्टार्ट की वाइंडिंग लगा देंगे, स्टार्ट पे रन की लगा देंगे, तो क्या होगा आपकी मोटर गर्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ दिन या कुछ ही अरसे में ये जाम हो जाएगी या बिल्कुल काम करना छोड़ देगी, ठीक है। इसलिए इसको हमेशा सीधा रखें ताकि इसकी पोजिशन में हमेशा वो राइट पोजिशन में चले, ठीक है। तो दोस्तों अब ये जो मोटर है बिल्कुल कोई एरर नहीं देगी, ठीक है, इसकी ब्लोअर भी सही बिल्कुल चलेगा, मोटर गर्म भी नहीं होगी, ठीक है, और ये जो है एरर कोड भी शो नहीं करेगी। लेकिन जब ये तो होगी ना, जब इसका जो कनेक्टर्स हैं, जो इसके बारे में मैंने आपको फुली डिटेल से बता दिया, इसके पावर कनेक्टर के बारे में, अब इसके पीजी एफजी या फीडबैक कनेक्टर के बारे में मुकम्मल डिटेल से अब बताऊँगा, ठीक है, कि जब ये आपने इंस्टॉल करना है तो ये क्या चीज़ है और आप इसको कैसे समझ सकते हैं, कि अच्छे से समझ सकते हैं ताकि किसी भी मोटर को आप किसी भी ब्रांड में इंस्टॉल कर सकें। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ली, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप इससे बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों अब इसके जो तीसरा हिस्सा है, जो हम पीजी या एफजी पे बात करेंगे, तो वो उसकी तीसरे पार्ट में है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और आपको मुकम्मल जो इंस्टॉलेशन है वो इसकी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।